लगता है कि हिंदुस्तान में गरीब जिंदा है ये ठीक नहीं। मैं भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले आप लोग, इस गरीब को जिंदा रहने से बेहतर है आप लोगों को खत्म कर दें। गोपालगंज का सत्तर घाट 264 करोड़ रुपया, यह एक छोटा सा नमूना है। हर साल अरबों का बांध टूटना और यह कह देना कि नेपाल में पानी छोड़ दिया, आज 4.5 लाख पानी नेपाल ने छोड़ा है गंडक में, रात तक 5 लाख क्यूब पानी गंडक में छोड़ेगा जो मुजफ्फरपुर तक दबा कर दे। नेपाल पर हम आश्रित क्यों? क्या हमारा टर्म्स एंड कंडीशन नेपाल के साथ भारत की संधि के बीच क्या पानी है? आज तक पानी हम लगातार, आज मेरा नम्मा दिन है नदियों के भीतर रहना, निर्मली मरोना झंझारपुर से लेके बलान की पूरी नदी, मधेपुर मधुबनी दरभंगा और फिर गोपालगंज बेतिया नौतन, गोपालगंज की आधी पार कहीं भी राशन नहीं, कहीं भी लगभग नौ नहीं, कहीं भी पन्नी नहीं। और सबसे दूसरी सबसे बड़ी बात, 8,436 करोड़ कोरोना वायरस के नाम पर खर्च करने वाला किसी भी गांव में एक मास्क और एक साबुन नहीं। कुसहा बांध को तोड़ने में अनियमितता बढ़ती गई, ब्लैक लिस्टेड हुए तो उस वशिष्ठा कंपनी जो हैदराबाद की है, जो पहले 30-40 करोड़ के काम से ज्यादा नहीं किया, बिहार में उनको 300 से 500 करोड़ का टेंडर क्यों मिला? इसके पीछे कौन है? हम इसी सप्ताह हाईकोर्ट जा रहे हैं, सिस्टा कंपनी पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। 7 मुखिया, 2 जिला परिषद और 100 कॉमन आदमी पर केस हुआ। 31 तारीख के बाद यदि वह केस वापस नहीं लिया गया हम सड़कों पर उतरे। और आलमनगर चौसा विधानसभा की 3 हिस्से इवन है उदा किशनगंज तक की स्थिति बद से बदतर। मधेपुरा में फ्लड की नौबत आ गई। दूसरा, अब स्थिति यह है कि लोग एम्बुलेंस पर पॉजिटिव केस लेके घूम रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है और सारे का सारा सरकार क्वारंटाइन हो जाए। बाहर में जाए जनता, बाहर में जाए लोग। इस बिहार के बारे में कंप्लीट आप समझ लीजिए, पॉलिटिशियन ने डिजास्टर बिहार बनाया, रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार, भ्रष्टाचारी बिहार। मैं बिहार की जनता के द्वारा पूछना चाहता हूं, एम्स में जो आप भर्ती करते हो, क्या पॉजिटिव के बाद 2 बार नियम है निगेटिव होने का? आपने ऑर्डर दिया आप कोई जांच नहीं होगी, पॉजिटिव के बाद 11 दिन के बाद उसको छुट्टी दे दी जाएगी, चाहे वो निगेटिव रहे या पॉजिटिव रह जाए। या 31 तारीख तक लॉकडाउन सिर्फ नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रैली के लिए किया। यदि ये लॉकडाउन करना था तो सबसे पहले व्यापारियों का EMI, उसका बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स को माफ करना चाहिए। बस नहीं चलेंगे लेकिन रोड टैक्स देंगे, दुकान नहीं खुलेगा लेकिन बिजली बिल EMI और होल्डिंग टैक्स देंगे, स्कूल नहीं खुलेगा लेकिन बिजली बिल देंगे, ट्रांसपोर्ट पर हम नहीं चलेंगे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बिल हमसे लिया जाएगा। क्यों? बंद करने के पहले इनको या तीनों बिल माफ करना चाहिए, फीस माफ करना चाहिए, किराया माफ करना चाहिए। हम 800 MP और सारे MLA जो 5 महीने तक घर में सोए हुए हैं अपने अपने कोहबर घर में, उनसे आग्रह करेंगे, बहुत पॉर्न देख लिया अब आप लोग, बहुत मजे ले लिए, बहुत आनंद उठा लिए, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस में सो लिए, अब नदी के किनारे जा करके अपने बीवी बाल बच्चा के साथ
पन्नी के नीचे दो रात बिताइए, तब आपको रियल का पता चलेगा। वर्चुअल और डिजिटल से हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और गरीब का पता नहीं चलेगा। गरीब को तो रोटी मिल भी रही है नरेंद्र मोदी, मिडिल क्लास को तो ना देने वाला कोई, ना मिडिल क्लास मांगने वाला। और एक तरफ वर्चुअल और दूसरे तरफ राजनीतिज्ञों के द्वारा राम अयोध्या मंदिर का शिलान्यास, पप्पू यादव जैसा झूठ बेईमान शैतान नफरत करने वाला, वोट के लिए जात पात करने वाला, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला हिंदू मुसलमान, उसके हाथ से किसी भी परिस्थिति में ईश्वर समो शक्ति का निर्माण नहीं होना चाहिए। कोई धर्म गुरु करे, कोई आध्यात्मिक गुरु करे।